हाँ ये किसी को डराने के लिए बहुत अच्छा टॉय है, आप इससे खेल भी सकते हैं, बट लेकिन ये एक ट्विस्ट सा लग रहा है, इसको मैं मोड़ रहा हूँ तो ये घूम रहा है। अरे ओ माय गॉड, अरे दोस्तों ये तो एक पेन निकला। अरे वाह यार, गड़बड़ ने तो सचमुच में गड़बड़ कर दी, तो चलो चला के भी देख लेते हैं। अरे वाह यार, ये तो चल भी रहा है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका दोबारा से बहुत बहुत वेलकम है हमारी लेटेस्ट वीडियो में, जिसका नाम है लेटेस्ट अल्टीमेट कलेक्शन ऑफ स्नैक्स। तो ये जो आप देख रहे हो, ये हम लेके आए आज आपके लिए अलग अलग 10 तरह के स्नैक्स, जो कि मात्र 5 रुपए में आते हैं और इसके अंदर गारंटेड इनाम निकलते हैं। यानी कि आज की वीडियो होने वाली है फ्री गिफ्ट्स इनसाइट्स के ऊपर। तो आज आपको देखने को मिल रहा होगा, हमने ले रखे हैं दादी की गुल्लक से लेके, जो आजकल सबसे ज्यादा पॉपुलर है, भाभी जी घर पर हैं, जो कि ये आपने यूट्यूब पर बहुत कम ही देखा होगा। मैं आपके लिए इसको लेकर के आया हूं। वैसे तो ये मात्र 5 रुपए में आता है, लेकिन इसे मेरे को ढूंढने के लिए 100 रुपए देने पड़े ताकि ये मुझे मिल जाए और मैं आपको दिखा सकूं। तो चलो यार, आपको ज्यादा वेट ना कराते हुए सीधा मैं आपको लेकर चलता हूं इस वीडियो के ऊपर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बाजू में देखकर बेल आइकन को दबाओ, ताकि आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं आप लोग सबसे पहले देख पाओ। तो सबसे पहले जो है, मैं उठाने वाला हूं काली डायन को। तो देखते हैं, काली डायन मात्र 5 रुपए में आती है और इस पे जो है अच्छे अच्छे इनाम बने हुए हैं। तो देखते हैं क्या आज हमारे नसीब में कुछ इनाम है या नहीं है। तो इसको कर लेते हैं कट, और कट करने के बाद देखते हैं कि हमारे नसीब में कुछ निकलेगा या नहीं निकलेगा। यार वैसे तो कुछ निकलना चाहिए, अगर नहीं निकला तो मैं आज बहुत ज़्यादा नाराज हो जाऊंगा। ओहो, इसमें स्नैक्स तो मुझे दिख ही रहे हैं, तो इसमें देखते हैं कि क्या है। ओह माय गॉड गाइस, वाओ यार, ये तो बड़ा ही मज़ा आ गया गाइस। इसके अंदर जो है हमें एक चॉकलेट मिली है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। अरे वाओ गाइस, ये तो बड़ी प्यारी है यार, ये देखो, इसे देखते ही एकदम मन ललचा गया। तो किसी का भी अगर जी ललचा रहा है तो मुझे बता देना गाइस, वीडियो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की। तो अगर ये अभी से इतनी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से यार लाइक ज़रूर करना। अरे कोई बात नहीं, अगर आपको अभी लाइक नहीं करना तो अभी जो है एक आधे आइटम्स अब पे अभी और चलते हैं और देखते हैं कि उन स्नैक्स में क्या निकलता है। ये भाभी जी घर पर हैं और ये उनके कुछ सदस्य बने हुए हैं। तो अगर आपको इसमें से कौन सा फेवरेट है मेरे को ये ज़रूर बताना भाई। मुझे तो विभूति बहुत अच्छे लगते हैं, सही पकड़े हैं वो, जब वो उनके साथ बात करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाभी जी आप घर पे हैं। तो क्योंकि ये भाभी जी घर पर हैं जो ये विभूति ही बोलते हैं, और हप्पू जी भी मुझे बड़े पसंद है। तो आपका करेक्टर कौन सा ज़्यादा पसंद है आपको, वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताना। ओ माई गॉड गाइस, कुछ तो निकला है, और ये जो है थोड़ा सा इधर को चला गया, ये क्या है, ये क्या है गाइस। अरे गाइस, इसमें से एक तो ये निकली है लिपस्टिक सी, जिसके अंदर कुछ ग्लिटर सा मिला हुआ है, पर ये ग्लिटर एक्चुअल में है क्या, ये एक बार खोल के देखते हैं। अरे भाई, ये तो पूरी प्लास्टिक की है, ये मेरे को लग रहा है शायद नकली है। अरे नहीं नहीं, इसके अंदर मुझे कुछ दिखा है, इसको जो है यार, ये तो खुल ही नहीं रहा, कहाँ से खुलेगा। अरे हाँ, ये लो दोस्तों, इसको जो है कुछ इस तरीके से खोलना है। अरे यार, ये गलत खुल गया मुझसे। ओ माय गॉड गाइस, ये तो एक पेन निकला, जिसको मैंने उल्टा खोल दिया सिक्के की तरफ से। तो चलो इसको जो है मैं यहाँ से पहले तो बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि किस तरीके से यूज़ होता है, शायद इसको आगे से खोलना होता है। ओ माय गॉड, इसकी क्वालिटी देखो यार, भाई साहब कितना प्रीमियम लग रहा है यार ये, यार कितना कतई जहर लग रहा है यार ये, देखो कितनी बढ़िया राइटिंग आ रही है इससे। यानी कि अगर आप भी अपने इससे सिग्नेचर करोगे तो कितने प्यारे आएंगे। वाओ गाइस, यार ये तो सचमुच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो गाइस, जो लोग अभी तक इस वीडियो में बने हो तो यार फटाफट से यार लाइक करो, क्योंकि यार मुझे ऐसा लग रहा है आज की वीडियो सचमुच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अब जो है हम चौकीदार से पहले चलने वाले हैं अपनी दादी की गुल्लक पे। तो दादी की गुल्लक आ गई हमारे हाथ में, और देखते हैं कि दादी जी हमारे लिए क्या लेके आई हैं, क्या सोने की मोहरे लेके आई हैं, सोने के सिक्के लाई हैं, या पैसे लेके आई हैं, या हमारे लिए लाई हैं कुछ गिफ्ट्स। मशहूर है वैसे सबसे ज़्यादा अपने नोटों के लिए, लेकिन देखते हैं क्या ये नोट देती हैं या ये सिर्फ हमें एक आधे गिफ्ट में टरका देंगी। वैसे मैं चाह रहा हूँ कि यार अगर मेरे ये 50 का नोट निकल जाए, 100 का नोट निकल जाए, तो आज बल्ले बल्ले हो जाए। अरे यार, ये कटता क्यों नहीं है भाई, कट जा कट जा। और ये कट गया, और इसको फटाफट से जो है मैं खाली स्पेस पे ही गिरा के देख लेते हैं क्या निकलता है, क्या निकलता है, क्या निकलता है। OMG गाइस, इसके अंदर स्नैक्स के साथ हमारा कुछ निकला है, जो कि मुझे एक गेम की तरह लग रहा है। ये क्या हमारी वीडियो गेम होने वाली है, कौन सी गेम होने वाली है। OMG गाइस, वाओ गाइस, ये देखो यार क्या कमाल की चीज है ये। और देखो गाइस, इस पे लिखा भी हुआ है वाटर गेम, यानी कि ये जो हमारे एक वाटर गेम निकले, जिसमें कि इधर म्यूजिक सिस्टम है, इधर भी म्यूजिक सिस्टम है, और आगे दे रखे हैं 2 रिमोट वाले बटन, यानी कि हमें रिमोट कंट्रोल वाला पूरा एक टीवी का सेटअप मिल गया है। तो इसको इस तरीके से तेज तेज की दबाना, और ये देखो पानी कितनी तेज की भाग रहा है। ये जितने भी सारे छल्ले हैं, जिसको कि रिंग बोलते हैं, ये इस डंडी में आनी चाहिए, और जो भी इसके अंदर सबसे पहले गिरा देगा वो कहलाएगा विजेता, यानी कि वो जीत जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट में लिख के बता देना अपने
नाम क्या है वाव लगा देना, ताकि जो मैं इसको आपको गिव अवे कर सकूँ। तो ये देख रहे हो आप, अभी सिर्फ हमने कुछ ही आइटम खोले, कुछ ही स्नैक्स खोले और हमारे इतने अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग से गिफ्ट निकल रहे हैं। तो चलो अब कुछ मेरा अलग सा मन कर रहा है, हमारा कुछ गड़बड़ करने का, तो गड़बड़ करने वाले हैं अब हम लोग। तो चलो भाई, गड़बड़ भी हमने हाथ में अपने उठा लिया और इस पर भी लिखा है फ्री गिफ्ट इनसाइट्स, इस पर कुछ पेन पेंसिल बना रखे हैं और इस पर रुपीज़ भी बना रखे हैं। तो देखते हैं कि क्या इसमें हमारे पेन निकलेगा या हमारे इसमें निकलने वाले हैं पैसे। तो उसके लिए तो यार हमें जो है इसको कट करके ही देखना होगा, क्योंकि असलियत हमेशा तभी पता चलती है जब पैकेट को अच्छे से फाड़ लिया जाता है। तो इसको हमने कट कर लिया है और इसको भी यहाँ पे खाली जगह पे गिरा देंगे। आजा भाई, ओ माय गॉड गाइस, इसके अंदर हमारा कुछ फैंसी आइटम सा निकला है। और ये क्या है, इसमें निकला है हमारा एक खिलौने वाला चक्कू। ये देखो, एक खिलौने वाला खंजर निकला है यार, एकदम जिसको कि हम डैगर भी बोलते हैं। वाओ यार, कितना प्रीटी लग रहा है ये। ओ भाई साहब, इसका यार ये गोल्डन वाला लुक देखो, कितना मजा आ रहा भाई इसको देख के। आपको लग रहा होगा कि भारी, बट ऐसा एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, बहुत हल्की प्लास्टिक का बना हुआ है। पर हाँ, ये किसी को डराने के लिए बहुत अच्छा टॉय है, आप इससे खेल भी सकते हैं। और ये देखो, आप इसको छल्ला भी बना सकते हैं, इसमें अंदर एक छेद दे रखा है। बट लेकिन ये एक ट्विस्ट सा लग रहा है, इसको मैं मोड़ रहा हूँ तो ये घूम रहा है। अरे ओ माय गॉड, अरे दोस्तों ये तो एक पेन निकला। अरे वाह यार, गड़बड़ ने तो सचमुच में गड़बड़ कर दी। तो चलो चला के भी देख लेते हैं। अरे वाह यार, ये तो चल भी रहा है। तो गाइज, यानी कि ये इन्होंने तो हमें डरा दिया सचमुच में, मुझे लगा इन्होंने तो हमें एक खंजर या एक चक्कू दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इन्होंने तो हमें एक पेन दिया पढ़ाई करने के लिए। तो इसको इस तरीके से पकड़ के पढ़ाई करने के बाद वापस से ऐसे लगा देना है और अपना किसी भी बच्चे को डरा देना है। तो यार ये जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आपको कितना ज़्यादा पसंद आया आप मुझे कमेंट में लिख के बता देना, ताकि जो है मैं इसको आपको गिव अवे कर सकूं। तो अब आप लोग देख ही रहे होंगे कि ये जो कचरियाँ और ये जो गिफ्ट्स हैं, इनसे हमारा पूरा का पूरा ये जगह जो है भरती जा रही है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम बिल्कुल भी इसकी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए खजाना। तो हम जाने वाले हैं लाइट वाला खजाने के पास। तो अब हम देखते हैं लाइट वाले खजाने के अंदर क्या सचमुच में कोई खजाना होता है, या ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। वैसे तो इसके ऊपर भाई साहब इन्होंने छाप रखे हैं, टॉर्च वगैरह छाप रखे हैं, इन्होंने इरेजर रबड़ छाप रखी है, पेन पेंसिल शॉर्पनर हीरे जवाहरात कंप्यूटर तक छाप रखा है यार। पर इसके अंदर कंप्यूटर भी निकलेगा क्या? चलो देख लेते हैं भाई कि सचमुच में निकलेगा या नहीं निकलेगा, शार्पनर निकल जाए या कार निकल जाए, अपनी तो इसी में बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो इंतजार किस बात का, ये लो, ये हो गया पूरा कट। तो इसके लिए मैं जो हूँ सबसे पहले खाली जगह बना लेता हूँ इसको। अरे भाई आ जा, ये हो गई है खाली जगह और यहाँ पर लाइट वाला खजाना गिरने वाला। ओ माय गॉड गाइस, कुछ तो मुझे दिखा है, और मुझे जो है ये एक टॉर्च की टाइप का ही कुछ लग रहा है, लेकिन देखना होगा कि ये टॉर्च है क्या है। अरे नहीं, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। ये देखो, इन्होंने कुछ हमें दिया भी है, पर ये है क्या एक्चुअल में? ओ माय गॉड गाइस, ये भी देखो, इसके अंदर कुछ रोशनी जल रही है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। ये कोई एक सीटी सी है और ये टॉर्च लग रही है। ये जो है पहले मुझे ऐसा लग रहा था कोई छोटी सी सीटी होगी, लेकिन नहीं यार, ये तो कुछ गजब ही अलग सा निकला। ये देखो कितने अच्छे तरीके से जल रहा है और इसके अंदर रोशनी बहुत अच्छी है। अभी मैं आपको जो है अच्छे तरीके से अंधेरे में भी दिखाऊंगा। ओ माय गॉड गाइस, ये तो कमाल ही होगा। ये निकली हमारी एक लेजर लाइट, और ये देखो लेजर लाइट हमारी कितनी प्यारी है, लाल रंग की, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। इसके अंदर देखो अलग अलग तरीके के रंग हैं, और भाई साहब इसके अंदर लेजर लाइट भी जलती है। तो चलो देर किस बात की, अब मैं जो हूँ सबसे पहले अपने उसको उठा लेता हूँ। कांगिया भाई, ये रहा। तो चलो अंधेरा कर देते हैं। तो भाई लाइट ऑफ, और ये देखो सबसे छोटी वाली, तो ये छोटी वाली की रोशनी है, जो कि मैंने आपको बताया था सीटी लग रही थी, पर ये एक तीर की तरह है और ये बड़ी गजब है। तो चलो इसको मैं साइड में रख देता हूँ, और अब मैं आपको दिखाता हूँ टॉर्च। ओहो भाई साहब, ये तो बिल्कुल गुलाब लग रही है एकदम, देखो ये लाल लाल रोशनी कितनी डरावनी सी लग रही है। ऐसा लग रहा है किसी हम विज्ञान वाली लैब में आ गए, साइंस लैब में। उड़ान लाइट वाला, अभी तुम्हारे पास भी आएंगे बेटा, टेंशन मत लो। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट देखते हैं। ओहो नीले में देखो संतरी कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, कितना ज़्यादा चमक रहा है। ओहो ये किसको चाहिए वाटर गेम, जिसको भी चाहिए अपना बता देना। और उसके बाद ये देखो, ये डीजे राजेश वाली अभी लाइट आने वाली है। अरे कहाँ गई डीजे राजेश, दिच्छिक। अरे वाह भाई, मज़ा आ गया, मेरा तो नाचने का मन कर रहा है। तो आज अपने भाई को मुझे बोलना पड़ेगा कि आजा भाई, आज नाचेंगे डिच्छिक। अब इसको बंद करते हैं और चलाते हैं लेज़र लाइट। ओ गाइस, लेज़र लाइट देखो, ये देख रहे हो भाई साहब, मैं आपको कह रहा हूँ, आप कैमरे में देख नहीं पा रहे होंगे, सिर्फ आपको रोशनी दिख रही होगी, लेकिन सचमुच में इतनी दूर जा रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ये मेरी दीवार ना फांद दे। तो चलो कोई बात नहीं, अब इसको रखते हैं साइड में, लाइट्स ऑन कर लेते हैं। तो लाइट से ही मुझे एक चीज़ और याद आई कि क्यों ना
हम अपना दूसरा लाइट वाला भी टेस्ट कर ही लेते हैं। अरे टेस्ट क्या करना, हमें तो खोलना ही है, तो अपना तो काम सिंपल सा है, उड़ान लाइट वाला, चाहे इसमें हमारी टॉर्च निकले, चाहे लाइट निकले, चाहे सीटी निकले, बस हमें मतलब है हमारे फ्री गिफ्ट से। क्योंकि यार हमें आ रहे जो अगर फ्री गिफ्ट निकल जाते हैं तो हमें अपने सब्सक्राइबरों को देने में भी मजा आता है, तब जाके हमें ऐसा लगता है कि हमारे भी पैसे वसूल हो गए। तो इधर ये जो खाली जगह यहाँ पर मैं इसको डाल देता हूँ, आ जा भाई। ओ माय गॉड दोस्तों, इसमें तो भाई भर भर के इनाम निकला यार, भाई मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। देखो गाइस, इसमें हमारे एक नहीं दो नहीं तीन तीन इनाम निकले हैं, और ये क्या है जो पन्नी में से भी भरा है। ओ ये क्या उठा लिया मैंने, एच, ओ माय गॉड गाइस, ये देखो एच नाम का स्नैक्स है, यानी कि इसके स्नैक्स भी अच्छे हैं। इस पन्नी में से गाइस हमारी निकली है एक ज्वेलरी जो कि है सोने की चैन, और ये दो आइटम और निकले हैं, वो भी दोनों पहले चेक कर लेता हूं मैं कि जलते हैं नहीं जलते। अरे भाई ये तो जलता वलता नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, ये हमारी निकली है एक डॉल्फिन वाली मछली जो कि बहुत प्यारी है, सचमुच में प्यारी है, इसमें मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में प्यारी है। और दूसरी निकले टॉर्च, वो तो जली नहीं, इसको देख लेते हैं। ओह वाह भाई वाह, क्या बात है, ये तो भाई जल रही है, चलो फिर इसको अंधेरे में देखते हैं। और ये करी हमने रोशनी, वाह देखो यार कितनी प्यारी लग रही है, ये देखो कितनी बढ़िया लग रही है, चौकीदारी। अच्छा अभी आ रहे हैं हम चौकीदार के पास भी आएंगे, पेट भर लो के पास भी आएंगे। तो ये देखो कितनी अच्छी है, और इसकी रोशनी देखो डिचिक 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 डिचिक, तो वाह यार बहुत अच्छी है इसकी रोशनी। चलो मैं अपनी लाइट जला लेता हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारी जो सोने की चैन निकली, ये देखो ज्वेलरी, ये कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी कमाल की। अगर ये किसी लड़के या लड़की को चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना, मैं इसको आपको गिव अवे कर दूंगा। वैसे असली नहीं है, लेकिन ये पहनने में सच में बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये दी है। तो आप लोग देख सकते हो हमारे गिफ्ट जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे अच्छे निकल रहे हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने पेट भर लो पे, आ जा भाई। तो पेट भर लो आ गया है, तो पेट भर लो का अभी हम पेट खाली करने वाले हैं, क्योंकि इसको पता नहीं है कि हम किसी को भी ऐसे नहीं जाने देते। तो सबसे पहले भाई होगी इसकी कटिंग, इसकी अच्छे से कटिंग करेंगे, क्योंकि गिफ्ट के लिए जो है हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, तो इसको पता नहीं है कि गिफ्ट के लिए हम कितने ज़्यादा तैयार रहते हैं। भाई अगर इस बार मेरे पैसे नहीं निकले ना, मेरे को बहुत गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे पैकेट फाड़ चुका हूं, इतने सारे आइटम मैंने खोल दिए हैं, इतने सारे पैसे लगाए हैं, कुछ भी नहीं निकल रहा हमारा। आ जा भाई, क्या कचले निकली जा रही हैं, कुछ तो निकल। OMG गाइस, इतनी सारी कचरी के बाद आखिरकार हमारे पैसे नहीं निकले, लेकिन हमारे को बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई है, जिसका नाम है गाइस एक टॉय। और ये टॉय क्या है, ओ गाइस वाओ, पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा होगा कि किसी चैनल पे निकली है फायर स्टेशन वाली बस। और इसके टायर देखो यार कितने तेज भाग रहे हैं, और भाई तेज भी क्यों ना भागे, अगर कहीं पे आग लगी है उसको बुझाना तो तेज तो जाना पड़ेगा ना। ये देखो आपके पास किस तरीके से आएगी, और भाई कितना प्यारा टॉय है, अगर ये टॉय भी किसी को भी चाहिए तब भी आप बता देना, क्योंकि यार मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा ये टॉय, और इसके व्हील वगैरह बहुत अच्छे हैं, और इसका कलर भी बहुत प्यारा है यार, ऐसी बात नहीं है। तो चलो इसको भी रख देते हैं इसकी जगह पे। तो अब हम चलते हैं अपनी चौकीदारी पे, तो भाई चौकीदारी पड़ गई भारी, ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद ही ऐसा कह रहा है कि चौकीदारी पड़ गई भारी। पता नहीं इसने ऐसा कौन सा काम करा, हेलीकॉप्टर ले रखा है, खिलौना ले रखा है, ऑटो ले रखा है, पैसे ले रखे हैं, पर क्या ये हमारे दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। पर लेकिन इन्होंने लिख रखा है कि निकले इनाम हर बार, तो चलो भाई टेस्ट कर लेते हैं कि क्या सच में इनाम निकलते हैं हर बार, या फिर ये चौकीदार बना रहा है हमारा बेवकूफ़। अगर ये चौकीदार हमारा बेवकूफ़ बना रहा होगा तो आइंदा से हम इस चौकीदार को खरीदने वाले नहीं हैं। तो ये हमने कट कर लिया है, और इसको करने के बाद अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। भाई साहब आ जा। ओ माय गॉड गाइस, एक गन दिख रही है मुझे छोटी सी, तो हमारी जो एक टॉय गन निकली है जो कि बहुत ही कमाल की है और बहुत ज़्यादा अमेजिंग है गाइस। ये देखो यार ये कितनी प्यारी है, छोटी सी गन जो कि आप अपने भाइयों बहनों को दे सकते हो, और इसके अंदर हमारे को दिए गए दो गनसी। मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया, दो गनसी नहीं बोलते इसको, इनको बोलते हैं दो बुलेट, यानी कि तमंचा मिल गया आज हमें, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। सबसे पहले तो इसको इस तरीके से करके इस तरीके से अटकाना है, और जब ये अटक जाएगा तो हमें निशाना लगाना है इस तरीके से। ओ माय गॉड गाइस, अनबिलीवेबल, भाई साहब मज़ा ही आ गया, कतई जहर, बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया भाई। तो एक बार और बनता है यार निशाना, जब हमारे पास दूसरी है तो एक बार और बनता है। ओ भाई साहब
सिर्फ हल्का सा इसको मैंने टच करा, मेरा इसको दबाने का मन था, लेकिन ये हल्के से टच में जो है ये अपने आप चल पड़ी, क्योंकि ये थोड़ी सी सस्ती भी है ना, तो ये इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। लेकिन हाँ भाई, ये किसी बच्चे को आराम से दे सकते हो, बच्चों का मनोरंजन के लिए बहुत अच्छी गन है और इसकी बुलेट भी बहुत प्यारी है, किसी को लगेगी भी नहीं तेज की। तो वापस से हम इसको इसकी जगह पे रख देते हैं और अब हम अपना नेक्स्ट आइटम उठाते हैं, जो कि है बच्चों का पासपोर्ट। और ये तो भाई, इसके बारे में मैं क्या ही बताऊं, ये मेरे को बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि ना ये आजकल मिलता ही नहीं है, ये हर किसी के पास नहीं मिलता, ये सिर्फ आपको देखने को मिलेगा हमारे पास ही। तो ये देखो, बच्चों का पासपोर्ट, आपने बड़ों का पासपोर्ट देखा होगा लेकिन बच्चों का आज तक नहीं देखा। ये मात्र 5 रुपये में आता है, लेकिन इसके अंदर के जो इनाम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। मैंने तो दूसरों के ही देखे हैं, लेकिन आज पहली बार जो है हम अपने भी देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं यार। तो इधर थोड़ा सा स्पेस खाली कर लेता हूँ मैं, और ये हमने स्पेस बना लिया है। तो चलो 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 चलो। ओ गाइस, कुछ तो गिरा है, हमारी 2-3 चीज़ें गिरी हैं। अरे यार, 2-3 नहीं है, सिर्फ 1-2 ही चीज़ गिरी है, बाकी ये पूरा का पूरा खाली है। तो इसको फेंक देते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 चीज़ें हमारी क्या निकली हैं, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले देखते हैं इसमें। ओहो वाओ भाई साहब, अगर ये वीडियो जो है आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता लग गया होगा कि ये क्या है, और मेरे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ये निकले हैं कान के 2 बूंदे, जो कि टॉप्स हैं, और ये कितने प्यारे हैं, इतने ब्यूटीफुल हैं ना। तो अगर ये किसी भी लड़की को चाहिए हो, बस कमेंट में लिख देना कि वाओ ये कितने प्यारे हैं या ब्यूटीफुल लिख देना, ये आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। सच में बहुत ज़्यादा औसम है। और भाई, कान के बूंदे के साथ इसमें क्या निकला है पता है? ये देखो, एक निकली है यूनिकॉर्न वाली अंगूठी। यार, ओ माय गॉड, इसके अंदर सेल भी लगे हुए गाइस, यानी कि ये जलती भी है। ओ वाओ, दैट्स ग्रेट गाइस। अरे यार, कसम से मजा आ गया भाई आज तो। कानों के बूंदे के साथ साथ टॉप्स के साथ हमें मिली है एक यूनिकॉर्न वाली अंगूठी, यानी कि रिंग, जिसमें की लाइट जल रही है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर इसके बाद हमारा लास्ट ही रह जाएगा स्नैक्स, तो फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ओ गाइस, यार कितनी ब्यूटीफुल और कितनी सुंदर लग रही है ये रिंग। वो इसको पहन के देखते हैं एक बार, और पहले तो ऐसे देखो रोशनी में। ओहो, अब पैसा वसूल की ही बारी है, इसमें हमें सिर्फ वसूल वसूल दिख रहा है, कोई बात नहीं वसूलेंगे अभी। लेकिन ये अभी अंगूठी देखो आप, कितनी प्यारी लग रही है, और इस यूनिकॉर्न को किस किस ने देखा हुआ और कौन कौन जानता है, क्योंकि यूनिकॉर्न का कार्टून बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये अंगूठी बहुत अच्छी लगी। तो ये जिस किसी को भी चाहिए कमेंट में लिख देना, मैं आप लोगों तक ये पहुंचा दूंगा, गिव अवे कर दूंगा। तो चलो अब लाइट्स ऑन कर देते हैं। अब जब हमारा एक ही रह गया है स्नैक्स, तो उसको फटाफट से हम उठा लेते हैं, और उठाने के बाद मैं आपको बता दूं कि इस पे लिखा हुआ है पैसा वसूल, तो यानी कि इस पे सारा का सारा जो है पैसे से रिलेटेड मामला चलता है। तो भाई, पैसे का लेन देन हमेशा खुल्लम खुल्ला रखना चाहिए, और पैसे किस किस को ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो ये तो मैं पूछूंगा नहीं, क्योंकि भाई पैसे तो हर किसी को चाहिए। तो जिस तरीके से पैसे हर किसी को चाहिए, तो मुझे भी चाहिए, और अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ भी निकला तो वो आपका, क्योंकि वैसे तो ये भी आपके ही हैं, पर लेकिन ये भी आपका। तो अब हम खाली जगह थोड़ी सी बना लेते हैं भाई। खाली जगह बनाओ, खाली जगह बनाओ, खाली जगह बनाओ। अब गिराओ 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 गिराओ। ओ माय गॉड फ्रेंड्स, ये देखो, इसके अंदर से भी जो है हमारे लिए एक निकला है करारा सा नोट। अब ये देखना ये हुआ कि क्या ये मनोरंजन कूपन है या फिर असली का नोट है। तो इस पे लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक। ओ गाइस, ये जो है हमारा एकदम देखो करारा नोट निकला है 50 का, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इस पर लिखा हुआ है 566। अरे 786 निकलता था और ज़्यादा मज़ा आ जाता भाई, फिर यानी कि हमारी दुगनी लॉटरी भी लग सकती थी। तो गाइज, आज आप लोगों ने देखे यार दोस्तों, इतने अच्छे अच्छे हमारे इनाम निकले। हमारा 50 का नोट निकला, हमारी एक वाटर गेम निकली, हमारी जो है ये चॉकलेट निकली, हमारे को 2 टॉर्च निकली यानी कि लाइट जलने वाले निकले, और हमारी एक चैन निकली सोने जैसी, और हमारे को एक लिपस्टिक मिली जो कि एक पेन थी। वाह यार, कितनी इंटरेस्टिंग बात है। और हमारी जो है एक टॉर्च भी निकली, अरे नहीं नहीं, हमारी ये लेज़र लाइट निकली जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस थे, जो कि कचरी में भी ढक गई थी। और हमारे को निकला एक बढ़िया वाला फैंसी चाकू, जो कि ये भी एक पेन था, जो बड़े मज़ेदार था भाई। इसके बारे में मैं आपको क्या ही बताऊँ। हमारी निकली एक फायर स्टेशन वाली बस, जो कि आग बुझा आती है। हमारी निकली एक गन जिसके साथ 2 बुलेट्स थी। हमारे को निकले कान के टॉप्स यानी बूंदे, और एक इतनी प्यारी अंगूठी निकली ना, जो यूनिकॉर्न की थी, जिसके अंदर लाइट चल रही थी। तो इन सब गिफ्ट में से आपका सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा था, आप मुझे बता देना कमेंट में लिख करके, मैं आपको जो गिव अवे कर दूंगा। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना, और हाँ, जो लोग अभी तक नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाजू में देखे बेल आइकन को दबा दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।